एनआईटी अगरतला एनआईटी शिलचर हरे कृष्ण मंदिर नॉर्थ गुवाहाटी से हम लोग इस बार 3 दिन सितंबर 6, 7 और 8 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया है। इस आयोजन के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है नियरली 1 लाख डिवोटीज विजिट करेंगे मंदिर में और उन सब के लिए भगवान का दर्शन होगा, भगवान का नाम सुनेंगे, भगवद्गीता भागवतम का वितरण होगा और उन सब के लिए भगवान का प्रसाद वितरण होगा और 7 तारीख को जन्माष्टमी का प्रमुख महाअभिषेकम होगा रात को 8 बजे में और भगवान को उस दिन 56 भोग का भी भोग लगेंगे। ये सारा भोग सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा और 8 तारीख को जो है ये नंदोत्सव, नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म होने के बाद एक उत्सव मनाते हैं उसको कहते हैं नंदोत्सव। इसके साथ साथ में हमारा ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय के आचार्य है ए सी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, हमारा प्रभुपाद जी का 127th बर्थ एनिवर्सरी होगा सो उस दिन भी सेलिब्रेशंस रहेंगे 8 तारीख को भी नंदोत्सव के साथ। सो उस दिन भी 56 भोग वितरण होगा, सबके लिए प्रसाद का वितरण रहेंगे और जो भी आएंगे उनको भगवान का दर्शन, भगवान का नाम प्रसादम और भगवान हरे कृष्ण। अर्जुन ने भगवद्गीता में पूछा धर्म पालन करने के लिए लक्ष्य क्या है, मोक्ष। सो कृष्णा ने बोला किसको मोक्ष मिलेगा, मंदिर जाने वाला को मिलेगा, सभी लोग मंदिर आ सकते हैं एंड कुंडी में पैसा डालने वाला को मिलेगा, सभी लोग डाल रहा। सो उस समय कृष्णा ने बोला जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेति तत्वदः त्वत्वादेहं पुनर्जन्म नेति। सो किसको पुनर्जन्म नहीं है, 4th chapter 9th श्लोक में कृष्णा ने बोला जो लोग भगवान कौन है, हम कौन है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करने वालों को मोक्ष मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जन्माष्टमी आ रहा, भगवान को बोलते अजा, मतलब ही नेवर बॉर्न ही नेवर डाइस। इवन आत्मा को भी अमर बोलते, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। सो क्या हो रहा, सो स्वामी प्रभुपाद जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, शाम को सूर्य को अस्तमन हो रहा, सूर्य मरा नहीं अस्तमन हो गया। सेम जैसे भगवान को भी जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, ही अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। 5,000 साल के पहले भगवान कृष्ण का दर्शन इस पृथ्वी में हुआ, अभी भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते सेम मोमेंट, समदर ब्रह्मांड में कृष्णा जी का जन्म हो रहा, इसलिए कृष्णा का लीला को बोलते नित्य लीला। ये सारा चीज़ आप लोग समझने के लिए इस मंदिर में स्पेशल बुक्स मिलेगा, 70 वॉल्यूम ग्रंथ है इस मंदिर में, असमीज, बंगला, हिंदी, इंग्लिश भाषा में इस किताब मिलेगा, पूरा वर्ल्ड में इस किताब को लोग पढ़ रहा एंड आप लोगों को भी एक मौका है इस किताब लेके पढ़ने का। इस किताब का एक स्पेशलिटी है, इस किताब ह्यूमन बींग्स लिखा नहीं, 32 जनरेशन से गुरु शिष्य परंपरा से कृष्णा, ब्रह्मा, नारद, व्यास ये परंपरा थे, स्वामी प्रभुपाद जी तक हमको पहुंच गया। सो आप लोग जो लोग इस मंदिर का आ रहा बहुत भाग्यवान है, आप लोग भी इस किताब लेके पढ़ सकते हैं, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद एंड भगवान का नाम इस मंदिर से लेके जाइए एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। 6 और 8 सितंबर 2018 हरे कृष्ण मंदिर प्रांगण द्वितीय बार्षिकर कारण श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आरम्भ हमें गई है, यशाल आयोजन करमार मंदिर तरफों 30,000 square feet आम पेन्डल बना तारोपरी 6 तारिखे जी आम अभिषेकम प्रोग्राम हम ताते आम बहुत विभिन्न डोनार्स आम वेलवेसार्स सकोबाक इतना भाग लब, आम नानान धरण व्यंजन लाच डिनार आम गोटे आयोजन कर 7 तारिखों सीमिलारलि जन्मोत्सवर कारण अभिषेकम थको नाना व्यंजनेरे लाच और डिनार कर 8 तारिखे आम नंदोत्सव आरम्भ हम जी श्रीला प्रभुपाद जी एपियरेन्स डे क्या है सीदाखन सेम आम लाच डिनारे सबको आप्लुत कर तार बहिर आम तथा उत्तर पूर्वांचल बहुखि मानु इतना भाग लब, आम एन आई टी आम बहुत स्टूडेंट्स इतना थकेंगे सेवा आग बढ़ा आम आशा कर अराउंड 1 लाख मानु ये 3 दिन प्रोग्राम भाग लय भगवान आशीर्वाद लगभग सक्षम हम। यह अनुषान कर हरिकृष्ण मंदिर आम इार लोकेशन तो अपोजिट जी एन आर सी मेडिकल नॉर्थ गुवाहाटी नियर आई आई टी गुवाहाटी अमीनगाँव।